मेरे परिवार को तोड़कर देख लिया, मेरी पार्टी को मुझसे, मुझे ही मेरी पार्टी से अलग करके देख लिया। तो जितना आपको करना है मेरे साथ, अब लाठियां चलानी है कि मुझे गिरफ्तार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, चट्टान की तरह, जैसे पापा हमेशा साथ रहते थे, अब ये हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में जब से टूट हुई है तब से लगातार चिराग पासवान खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना लौटे हैं, साथ में उनकी बहन और मां रीना पासवान भी थी वहां पे। तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन एक जो खास बात इसमें निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हर बार की तरह सवाल तो पूछे गए, लेकिन चिराग पासवान का प्रस्तावित राजभवन मार्च 15 तारीख को होगा और अब उनकी मां रीना पासवान भी पटना आ चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रीना पासवान पटना आई हैं तो क्या मुद्दा हो सकता है, किन बातों को लेकर उनका पटना आगमन हुआ है। ऐसे में पटना में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। चर्चा तो यह भी है कि उनकी मुलाकात होगी, हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे जो बयान रीना पासवान ने आज दिया है, और साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लेकिन आपको बता दें कि राजद के एक नेता हैं जिनके यहाँ शादी है और इस शादी समारोह में शामिल होने को लेकर चिराग पासवान सपरिवार पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव को भी न्योता है, हो सकता है वहां मुलाकात उनकी हो और इस मुलाकात में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आ सकती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कई बार ये संकेत दिए हैं, चिराग पासवान ही उनके ऑफर को नकार देते हैं, लेकिन अब उनकी मां रीना पासवान भी आज पटना पहुंची हैं, क्या कुछ विशेष बातचीत होती है और साथ रहने को लेकर, साथ चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि अभी तक लालू प्रसाद यादव ने आधिकारिक रूप से 23 सीट पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और चिराग पासवान ने भी नहीं किया है, तो संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि इन सीट को लेकर भी बातचीत एक बार फिर से बने। लालू प्रसाद यादव ने पहले भी ऑफर दे रखा है, अब हम आपको बयान सुनवाते हैं जिसमें रीना पासवान ने चिराग पासवान को लेकर, रामविलास पासवान को लेकर भी बयान दिया है और चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। माँ के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ, सिस्टर हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, जीजा जी हैं, पूरा परिवार आज लंबे समय के बाद पटना में सब लोग एक ही साथ हैं। लंबे समय तक अब यहाँ पे रुकने का है क्योंकि मेरी एक लंबी लड़ाई है, लंबा आंदोलन है जिसका आगाज हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा परिवार यहाँ पर रहे, साथ में सब लोग रहते हैं, तो जो दिल्ली जाना होता है तो इसलिए मैंने आग्रह किया। तो इस बार लंबे समय तक मम्मी परिवार पूरा, सिस्टर, उनके बच्चे सब लोग अभी यहीं पे ही हैं। बिल्कुल, और यही वादा मैंने अपने तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं से किया है कि आगामी 15 तारीख को जो मौजूदा सरकार की कुव्यवस्था और कुनीतियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब सड़क पर उतरेगी, अगर पहली लाठी चलेगी शासन प्रशासन की तरफ से, तो वो चिराग पासवान खुद अपने सर पर लेगा। तो ना मैं लाठी खाने से डरता हूँ, ना मैं उनकी पानी की बौछारों से डरता हूँ, ना वो आंसू गैस का इस्तेमाल करें, जो करना कर लें। भाई आपने पहले ही सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करके देख लिया, मेरे परिवार को तोड़कर देख लिया, मेरी पार्टी को मुझसे, मुझे ही मेरी पार्टी से अलग करके देख लिया। तो जितना आपको करना है मेरे साथ, अब लाठियाँ चलानी है कि मुझे गिरफ्तार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, पर मैं जिस बिहार को लेकर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष बिहार की जिन तकलीफों को लेकर, भाई आज बिहार बचाओ मार्च पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को निकलना पड़ा है, मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी दो बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे और दोनों बार उन्होंने बिहार सरकार की कुनीतियों के खिलाफ उन्होंने मजबूती से संघर्ष उन्होंने किया था। उन्हीं का अंश आज उन्हीं के नक्शों कदमों पर चलते हुए बिहार बचाओ मार्च लेकर हम लोग निकले हैं और बिहार को बचाने की जरूरत है। जिस तरीके से शराबबंदी में एक के बाद एक जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, यहीं पर बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में जबरन उनको घसीटा जा रहा है,
जिस तरीके से शिक्षकों पर, छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, वार्ड सचिवों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, ममता आशा कर्मियां जिस तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से 19 लाख रोजगार का वादा करने के बाद आपने एक रोजगार अभी तक किसी पीड़ित परिवार को नहीं दिया, अनुसूचित जाति जनजाति में जिस तरीके से छात्रावासों को बिल्कुल बिल्कुल चट्टान की तरह, जैसे पापा हमेशा साथ रहते थे अब ये हैं। मैं जैसे साहब के साथ रहती थी वैसे ही मैं चिराग के साथ संघर्ष करने की ताकत जुटा ली बिल्कुल। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।